भारत देश का नाम रोशन करने वाले चौबारी के सचिन आए चर्चा में। हमारे सहयोगी नंदकिशोर मौर्य के मुताबिक बरेली जनपद के अलीगंज थाना क्षेत्र के निवासी सचिन ने 50 देशों की विश्व प्रतियोगिता में शामिल होकर भारत का नाम रोशन किया है। एक ओर स्विट्जरलैंड और भारत को समान वोट मिले थे, जिसके चलते मिस्टर ग्लोब फ्रांस से स्विट्जरलैंड और भारत दोनों को मिस्टर ग्लोब विजेता घोषित किया। बता दें कि सचिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके मुंबई से बिजनेस मैनेजमेंट में स्नातकोत्तर करके मिस्टर ग्लोब 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व किया। प्रतियोगिता में भारत, चीन, पाकिस्तान, स्विट्जरलैंड आदि 50 देश शामिल हुए थे, जिनकी ऑनलाइन वोटिंग कराई गई थी, जिसमें भारत के सचिन ने अपने देश का नाम रोशन करते हुए विजय प्राप्त की। सचिन का कहना है कि अपने देश का नाम रोशन करूंगा और हर संभव कार्य अपने देश के लिए करूंगा। कहता है कि एक अच्छा इंसान बनाना, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर एक क्वालिटी होती है। ये सिर्फ मॉडलिंग से रिलेटेड नहीं है, इसमें सोशल कॉज भी होता है। तो सोशल कॉज का मेरा जो सोशल कॉज है वो है कोविड केयर फॉर इंडिया, जिसमें हम लोग दिल्ली के एक्सपर्ट जो डॉक्टर्स हैं उनकी टीम के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस कॉज को ना कि सिर्फ भारत तक, हमें इसको ग्लोबली पहुँचाना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करनी है। तो ये जैसे कि ये प्लेटफॉर्म है मिस्टर ग्लोब, मिस्टर सुपर नेशनल, मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर इंडिया, ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये सारे यंग जनरेशन को एक मौका देते हैं कि हम आगे आएँ और अपना टैलेंट के साथ साथ हमारा क्या जो सोशल कॉज है हम वो सोसाइटी में कैसे स्प्रेड करना चाहते हैं, जिससे कि हमारी जो सोसाइटी है वो अच्छी हो जाए दिन ब दिन। तो ये एक मैसेज रहेगा जो मैं पूरे देशवासियों को और जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसको देना चाहूंगा। इस प्रतियोगिता में सफल होने के बाद सचिन फ्रांस जाएंगे और हर कार्य का अनुभव लेंगे। ये सभी देशों की बेस्ट सौंदर्य प्रतियोगिता है, जिसमें फ्रांस में एक साल की टैलेंट निकालने की ट्रेनिंग होगी। जिस तरह से सचिन का कहना है कि एक छोटे से शहर से निकलकर प्रियंका चोपड़ा ने हमारे शहर और हमारे देश का नाम रोशन किया, उसी के चलते सचिन ने अपने पिताजी से प्रेरणा लेकर देश के लिए कुछ करने की ठान ली और आज सचिन उस मुकाम पर हैं कि अपने देश और अपने घर वालों के नाम को रोशन करेंगे।